रंजन यातायात सुरक्षा पखवाड़े के समापन अवसर पर बोले कि सतर्क और सावधान होकर वाहन चलाएं, खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं, क्योंकि घर पर आपके माता पिता पत्नी बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भाव को लेकर अगर हम शहर में निकलते हैं तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आज दोपहर सिंगरौली पुलिस मुख्यालय पर आयोजित यातायात सप्ताह के समापन के अवसर पर एसपी अभिजीत रंजन ने और भी कई बातें कही। एसपी ने इस दौरान प्रदेश एवं देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का भी हवाला दिया। इसके पूर्व एएसपी प्रदीप शेंडे, जिला परिवहन अधिकारी एसपी दुबे ने भी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति का भावपूर्ण विचार रखा तथा सप्ताह भर चले यातायात जागरूकता पखवाड़े के तहत कराए गए विभिन्न आयोजन, नुक्कड़ नाटक, स्कूल विद्यालय से लेकर सड़कों तक जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने पर अपना विचार रखा। सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के समापन कार्यक्रम का संचालन करते हुए यातायात प्रभारी सूबेदार अजय सिंह ने सड़क सुरक्षा सप्ताह में कोतवाली पुलिस बरगवा, मोरवा, विंध्यनगर एवं नवानगर पुलिस द्वारा कराए गए विविध आयोजनों की भी जानकारी दी। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़क दुर्घटनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया और दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक भाव भी जागृत किया। कार्यक्रम में सीएसपी अनिल सोनकर, एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी, टीआई राघवेंद्र द्विवेदी, मनीष त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह, यूपी सिंह सहित तमाम पुलिस अफसर व पत्रकारगण मौजूद रहे। सप्ताह है, इसका समापन समारोह, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम सभी यहाँ से ये सबक लेके जाएं कि सड़क पे दुर्घटना को नहीं होने देना है। सड़क पे दुर्घटना की स्थितियों को निर्मित होने नहीं देना है, और ये तब होगा जब हम जागरूक बनेंगे, जब हम इस चीज को सोच के चलेंगे कि हमें इन स्थितियों को, इन परिस्थितियों को न केवल अवॉइड करना है बल्कि इसको उम्मीद करना है, बिल्कुल इसको मिटा देना है। अभी हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में लगातार दुर्घटनाएं हुई। अभी कल भी एक दुर्घटना निवास चौकी क्षेत्र में हुई, बहुत दुर्घटना थी। हमारे टीआई साहब भी तत्काल पहुंचे, चौकी प्रभारी भी तत्काल पहले ही पहुंच चुके थे। उसमें हमने देखा कि उसमें कोई ट्रक नहीं था, उसमें कोई ट्रक नहीं था, कोई बस नहीं था, बल्कि 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई। अब बताइए गलती किसकी थी? ठंड का मौसम है, फॉग है, और आप शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, आमने सामने आप टक्कर मारते हैं, रोड हर जगह अच्छी हो गई है, आपकी स्पीड 70-80 से कम नहीं होती, आपके पीछे आपका परिवार आपका इंतजार करता है, और आप यूं रोड पे एक्सीडेंट होकर के गिर जाते हैं, आपको चोट आती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका पूरा आपका नहीं, आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपका जो परिवार है और परिवार के जो बच्चे हैं उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है।